मामला थोड़ी है। देखिए, घटना रात को 3 बजे और 4 बजे के बीच की है और घटनास्थल आरोपियों की रहवासी ढाणी है, और जो 3 बजे को वहाँ कोई मोहल्ले के लोग या भीड़ कोई थी नहीं, अलग अलग परिवारों के लोग नहीं थे, अलग अलग जाति समुदाय के लोग थे, एक परिवार के ही लोग हैं और वो अपनी ढाणी में थे। तो वो देखा जाए तो भीड़ का हिस्सा या भीड़ का डेफिनेशन जो आमतौर से हम क्राउड समझते हैं, वो क्राउड नहीं हो सकती। क्राउड वो होती है जो जहाँ अलग अलग परिवारों के लोग हों, इसमें तो एक ही परिवार के लोग हैं, वो भी घटना रात को 3 बजे के आसपास की। मामले को लेकर आज संसद में भी मामला ये गरमाया और सवाल खड़ा हुआ है, पुलिस कितनी गंभीरता से? देखिए, पुलिस पूरी गंभीरता से इसमें तफ्तीश और अनुसंधान में जुटी हुई है, पूरी संवेदनशीलता से सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो इस बारे में चल रहा है उसको भी हम संवेदनशीलता से लेकर उसके बारे में बिल्कुल सदिंदगी से अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि दोनों ही मजदूर परिवारों के बीच में जान पहचान थी, ये वहाँ ईंटों का काम करता था, इसके चलते उस लड़की से उसके संबंध थे और रात को 3 बजे उसके ढाणे पर पहुँचा है, जो विरोध स्वरूप लड़की के परिजनों ने उसको पकड़ के पीटा। देखिए, वर्तमान सिनेरियों में जो सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी टीका टिप्पणी देखने को मिलती है वो वाकई कानून व्यवस्था और पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन के आई है, और इसमें मैं लोगों से और आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रामक प्रचार से बचें, कानून पर भरोसा करें, कानून अपना सही और सटीक और जो वास्तविक चीज़ है उसको पत्रावली पर लेके आएगा, और जो भी आरोपी मारपीट में या हत्या करने में शामिल थे उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाएगी। देखिए, अगर कोई धार्मिक आधार पर या अन्य आधार पर अफवाहें फैलाता है तो बिल्कुल उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है, हम उसको अमल में लाएंगे। धन्यवाद।